40 मिनट तो मेरा ख्याल है 30 से 40 मिनट इस पर लग जाएंगे। जी, रिटेन्ड प्लेसेंटा क्या होता है ये देखिएगा। रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एज प्लेसेंटाज नॉट डिटैच आफ्टर 12 आवर पोस्टमार्टम, के बच्चा बाहर आने के बाद 12 घंटे तक अगर तो नहीं बाहर आती फीटल मेम्ब्रेन, तो हम उसको रिटेन्ड प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं, RPM का नाम दे देते हैं। ये बात हो रही है कैटल के बारे में, ठीक है। हर किसी का जो RPM है वो डिफरेंट है। जैसे मेयर का मैंने बताया उसका आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक है, तो जो 12 आवर वाली बात है, 12 से 24 आवर वाली बात, वो कैटल के लिए करेगी। अगला पॉइंट देखिए, नॉर्मली इन काउ द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड विद इन 12 आवर पीरियड आफ्टर काविंग। इफ एनी पार्ट ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन इज हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, इट इज कंसिडर्ड टू बी पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल। 12 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे तो इसको पैथोलॉजिकल माना जाएगा कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट है या कोई और वजह है, एबनॉर्मल वजह है कोई, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ रही अब जो है मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट देखिए, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व मोर फ्रिक्वेंटली इन कैटल, स्पेशली इन डेयरी कैटल देन इन अदर एनिमल्स। कि ये जो फिनोमिना है रिटेंशन ऑफ फेटल मेम्ब्रेन का, ये ज्यादातर कैटल में और स्पेशली डेयरी कैटल में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, काजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके। पहला काज जो है वो हो सकता है इन एफिशिएंट एक्सपल्सिव एफर्ट्स बाय द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, जो यूट्रस का मसल्स वाला पार्ट है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। उसने देखें एक्सपल्जन लगानी होती है, उसने जोर लगाना होता है, उसमें कंट्रेक्शन होनी होती है। अगर वो प्रॉपर कंट्रेक्शन नहीं कर रही तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, फेलर ऑफ प्लेसेंटा टू सेपरेट फ्रॉम द एंड्रोमेट्रियम मे बी ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, प्लेसेंटल इमेच्योरिटी, हार्मोनल इम्बेलेंस या इम्यून डेफिशंसीज। कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, अंदर कोई सोजिश हो गई है जिसकी वजह से वो अब बाहर नहीं आ पा रही, प्रॉपर जो है वो कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही और सोजिश हुई हुई है अंदर, ठीक है। या ये हो सकता है कि प्लेसेंटल इमेच्योरिटी, के प्लेसेंटा जो है वो प्रॉपर मेच्योर नहीं हुआ, प्रॉपर उसका जिस तरह कॉटिलेडन और क्रंकल का स्ट्रक्चर अलहदा होना था मेच्योर होके, वो उस तरह नहीं हुआ और इमेच्योर पड़ा है, तो वो वजह हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है कि जिन हार्मोन्स ने इसको निकालना था बाहर, जैसा कि आपको पता है ऑक्सीटोसिन है, उसने कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी थी, अब वो प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस नहीं है एनिमल की बॉडी में, तो उसकी वजह से हो सकता है। या इम्यून डेफिशिएंसीज, के इम्यूनिटी जो है वो लो है, उसके जो कोई इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह या कोई इन्फेक्शन बना हुआ है और इम्यून सिस्टम ने प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पा रहा, वहां पे अलग ही मतलब इम्यूनिटी लो हुई भी, इम्यूनिटी का बन गया कोई मसला कि इन्फेक्शन से ही प्रॉपर लड़ नहीं पा रहा, तो बॉडी का जो अटेंशन है वो तो डाइवर्ट होगी ना, आधी इस तरफ आधी उस तरफ, और जो ये वाला काम था इसको बाहर निकालने का, वो फिर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। इसके अलावा थर्ड नंबर पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि जो है कोई फीटस जो है वो अपना सर्विक्स जो है वो क्लोजर उसका होना शुरू हो गया है, वो प्रॉपर जो है पार्शियल क्लोजर है उसका सर्विक्स का, उसमें से नहीं बाहर आ पा रहा, ठीक है। तो ये वजूहात होगी। उसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। कैटल में कहता है कि आमतौर पे जो कैटल हैं वो 6 घंटे में फेंक देती हैं मोस्टली कैटल, लेकिन फिर भी अगर 12 से 24 घंटे इसके टाइम को समझा जाता है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हुई है पहले भी बात। इसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन इज ए रिकरेंट थीम इन कंसीडरेशन ऑफ द मेट्राइटस एंडोमेट्राइटस एंड पायोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेस। इनमें से अगर कोई मसला हो गया है अंदर मेट्राइटस
एंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस हो गई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अकामुलेट हो गई है, तो उसकी वो आ रहा है। और थर्ड लास्ट पॉइंट देखिएगा स्लाइड का, अच्छा वॉइस इशू आ रहा है, बारिश हो रही है ना उसकी वजह से आई थिंक जो है ना प्रॉब्लम होगा, पहले भी कह रहे थे बच्चे की वॉइस कट रही है। अनस आपको तो आना ही नहीं, आप पे तो उधर सिग्नल ही कम है, अनस के अलावा कोई पता है? अब ठीक है, हैदर को भी आ रहा है। आज कह रहा हूँ तभी कुछ लग रहा, आज आपको मौसम भी अच्छा लग रहा, आज आप कह रहे हो बारिश हो रही। फार्म पे होते तो आपने कहना था कीचड़ हो गया है, फिर आपको नेगेटिव साइड नजर आनी। हाँ जी, वॉइस अब आ रही है क्लियर या अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ वो दरख्त वगैरह होते हैं ना वहाँ पे तो ग्रीन थी। चलें अब क्लियर है, अब ठीक है जी। और प्रॉब्लम देखिएगा कि अबॉर्शन स्पेशली एसोसिएट विद प्लेसेंटाइटस, एनिमल में अबॉर्शन हो गया, बच्चा मेच्योर होने से पहले ही जो है वो अबॉर्ट कर गया, और साथ में जो है वो प्लेसेंटाइटस हो गया, आइटस आ गया है साथ में प्लेसेंटा आ गया, तो इसका मतलब प्लेसेंटा की इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर बात है वो फिर उसका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, ये तो जाहिर सी एक बात है। एबनॉर्मल कुछ एनिमल्स में जिस तरह एबनॉर्मल जेस्टेशन लेंथ होती है, लंबी या शॉर्ट, दोनों सूरतों में ये एक फैक्टर बन सकता है। डिस्टोपिया, डिफिकल्ट बर्थ, बच्चा ही बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है, उसके बाद सेकंड स्टेज है ना बच्चे का बाहर आना डिस्टोपिया, थर्ड स्टेज होती है फीटस में ब्रेन का बाहर आना। अभी हमने स्टेजेस ऑफ जब ये देखी है, तीन स्टेजेस होती हैं बेसिकली, तो डिस्टोपिया हुआ तब भी मसला है। फैटी लीवर है तो यूट्रस की फैटी लीवर की वजह से, फैटी लीवर के अंदर क्या होता है बॉडी में फैट की मिकदार ज़्यादा है, तो यूट्रस की जो ओवरऑल साख्त है, एटनी है, जो उसकी वास्कुलैरिटी है वो चेंज हुई हुई है, तो तब भी ये प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि बेसिकली यूट्रस के अंदर ही है ना ये सारा स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ जो है सेलेनियम, विटामिन ई और विटामिन ए, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आ जाएगा। सेलेनियम, विटामिन ई और विटामिन ए, इनका रोल होता है रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों का, सिलीनियम का, विटामिन ई का, विटामिन ए का। और फेलर ऑफ प्लेसेंटल मैचुरेशन, ट्विन बर्थ एंड इंड्यूस कॉल्बिंग, ये प्लेसेंटा ये पिछले पॉइंट में भी देखा कि प्रॉपरली जो है वो मेच्योर नहीं हो पाया, ठीक है, या ट्विन बर्थ हुई है, दो अंदर बेबी थे, वो जो है सारी एनर्जी सारा कुछ उनकी डेवलपमेंट की तरफ लग गया, प्लेसेंटा की जो प्रॉपर मैचुरेशन होनी थी वो नहीं हुई, और मसला फिर तब आया कि बेबी तो प्रोड्यूस हो गए, बेबी तो आ गए, लेकिन प्लेसेंटा अंदर रह गया। हीट स्ट्रेस, एनिमल जो है वो किसी स्ट्रेस में है तो वो उससे लड़े या प्लेसेंटा को बाहर निकाले। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरॉन रेशियो इन लेट जेस्टेशन, ये हार्मोनल प्रॉब्लम आ गया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरॉन का जो आपस में रेशियो होनी चाहिए जेस्टेशन के एंड में, जो लेवल नॉर्मल हार्मोन का होना चाहिए वो नहीं है, तो इसको हम कह देंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं हम कि इसके क्या फीचर्स हमें कैसे पता चलेगा। एक तो टाइम की वजह से भी हमें पता चलता है कि जी इतना टाइम हो गया हमने नहीं देखा, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है टाइम के अंदर के वो कैटल जो है वो खुद अपना प्लेसेंटा खा जाती है, वो पता नहीं चलता फार्मर को कि क्या आया कि इसने प्लेसेंटा फेंका भी है या जो है प्लेसेंटा बाहर आया भी है या नहीं आया। तो आमतौर पे वैसे जो है मेम्ब्रेन्स नॉर्मली विजिबल होती हैं, नज़र आ रहा होता है वल्वा से बाहर। वल्वा क्या है? जो बाहर वाला पोर्शन है, जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा है, जो बाहर वाले लिप्स हैं वजाइना के, वो वल्वा है, वहाँ से बाहर नज़र आती हैं मेम्ब्रेन्स लटकी हुई।
और ये ऐसा ऐसा जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, फैटी डॉडर देना शुरू हो जाती है, जैसे पुट्रिफिकेशन किसी चीज़ की होती है तो उसमें से स्मेल आती है। और उसके बाद एनिमल, अब हमें पता नहीं चल रहा कि वो कोई बाहर आई है, वैसे अगर मेम्ब्रेन बाहर पड़ी हो, प्लेसेंटा बाहर पड़ा, फिर तो पता चल जाए, लेकिन पता नहीं चला एनिमल खा गया या दाएं बाएं हो गई, फार्म पे था कोई, ओपन फार्म है तो कोई जो और एनिमल आया डॉग वगैरह वो प्लेसेंटा उठा के ले गया, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि एनिमल की जो रिड्यूस एपिटाइट और जो मिल्क नीड है वो कम हुई हुई है, ये मैनुअली भी चेक हो जाएगा। इसके अलावा एक्सटेंसिव ऑब्स्टेट्रिक इंटरफेरेंस में भी सुपरवीन्ड बाय सीवियर मेट्राइटिस एंड टॉक्सिनिया, और अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, अंदर अगर मौजूद रह गया तो मेट्राइटस हो जाएगी, टॉक्सीमिया हो जाएगा, अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, क्योंकि अब ये एक फॉरेन बॉडी बन गया है, पहले क्योंकि बेबी इसके साथ था, ममता जागी हुई थी तो तब तो ठीक है, ये वो उसको अपनी बॉडी का पार्ट समझ रही थी, लेकिन अब जब ये बॉडी का इसमें से बेबी बाहर आ गया तो ये फॉरेन मटेरियल के तौर पे ये प्यूट्रिफाइड होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें सेप्टेसीमिया, टॉक्सीमिया, मेट्राइटस, ये सारा कुछ जो है वो आ सकता है, पस आना शुरू हो सकती है, पायोमेट्रा भी हो सकता है, और फर्टिलिटी पे भी इसका इफेक्ट आएगा। पहले वाला तो बच्चा आ गया, नेक्स्ट के लिए अब जो है एंडोमेट्राइटस हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट जो उसने हीट के अंदर आना है इन्वोलेशन पीरियड के बाद, ठीक है। इन्वोलेशन पीरियड क्या होता है भला, नॉर्मल अपने वापस स्ट्रक्चर में आना, जो इसकी यूट्रस है उसका नॉर्मल अपने वापस स्ट्रक्चर में आना को इन्वोलेशन कहते हैं। ये कितना टाइम होता है भला इन्वोलेशन कैटल के अंदर? फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज होते हैं क्या? हाँ जी, 45 to 60 days कहते हैं इसको, एग्जैक्ट तो नहीं ना, ये कुछ ये इस तरह की चीजें होती हैं वो वेरी करती है ना, कुछ में जल्दी हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, तो थोड़ा जमा माइनस का भी शुबा रह सकता है, तो आमतौर पे 45 to 60 एग्जैक्टली फिगर कहा जाता है। तो वन मेट्राइटस इज वेल्थ, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, लीड्स टू इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू इंक्रीज इन डेज ओपन सर्विस पर कंसेप्शन, कार्विंग टू फर्स्ट यूट्रस इंटरवल एंड डेज फ्रॉम कार्विंग टू फर्स्ट सर्विस एंड रिड्यूस कंसेप्शन डेज टू फर्स्ट सर्विस। ये उसने बताया कि काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, आगे जो उसने दोबारा जो है दोबारा से न्यू होना है, दोबारा से हीट में आना है, वो हीट भी डिले हो सकती है, दोबारा से उसने जो प्रेगनेंट होना था हीट आ गई, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जी दोबारा वो आप कह लें कि गबन नहीं हो रही जो कहते हैं। ठीक है, ये परपुरल मेट्राइटिस का कुछ बता रहे हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका मैनुअल रिमूवल करते हैं जो ज्यादातर चलता है, लेकिन आमतौर पे इससे रोका जाता है क्योंकि ये डेट्रीमेंटल अकाओ के लिए, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए खास तौर पे, क्या आप जो है वो मैनुअल रिमूवल कर रहे हैं, जोर लगा के कर रहे हैं, पहले कोशिश ये होना चाहिए कि कोई हार्मोन लगा के, कोई जो है मेडिकेशन के जरिए इसको हल कर लिया जाए, फिर आखिरी हल तो मैनुअल रिमूवल ही बचता है, लेकिन मैनुअल रिमूवल में उसके अंदर वाले पार्ट जो हैं वो जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ प्लेसेंटा को रिमूव, और फिर नेक्स्ट उसकी जनरेशन के लिए नेक्स्ट जो उसका साइकिल है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखें, कैन रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली लेयर है यूट्रस की, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी होती है बच्चे की, इम्प्लांट होना होता है, वो खराब हो जाएगी हेमरेज इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर जहरी बात है वो आगे तक प्रॉब्लम चल सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो जाएगा, और अगर साथ में एनिमल को फीवर भी है, यूट्रस डैमेज हुई फीवर भी है, तो फीवर के जो काजेटिव एजेंट है वो मिल के सेप्टेसीमिया और पेरीमेट्राइटस कर सकते हैं, ठीक है, सेप्टेसीमिया और पेरीमेट्राइटस कर सकते हैं, ये जो लेयर है यूट्रस की वो स्वेल कर सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एडहीजन का वजह से बता रहे हैं, ठीक है। एक्बोलिक एजेंट्स इसमें हम यूज करते हैं, एक्बोलिक एजेंट्स क्या होते हैं भला, एक्बोलिक की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो ये एक्बोलिक्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो यूट्रस को कंट्रैक्ट करवाती हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीटोसिन आ जाता है,
और पी जी एफ एल्फा आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको पता है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए यूज होता है। वैसे तो मदर जो है वो खुद भी इसको ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। और काविंग के बाद जब बच्चा सकलिंग करता है उस वक्त भी ये एक रिफ्लेक्स जाता है, ठीक है, तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन का वो ज्यादा सर जाती है ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर उसका लेवल कम है तो आप ऑक्सीटोसिन जो है 40-60 इंटरनेशनल यूनिट, ये जो है इंट्रामस्कुलर लगेगा, ठीक है। तो 1 इंटरनेशनल यूनिट वो बता रहे हैं हैदर के 10 ml के बराबर होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डोज आप ऑक्सीटोसिन की बता लेंगे। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं ये किस तरह आपने बनाया है? थोड़ा सा आप मेरा ख्याल इसको उल्टा तो नहीं कहेंगे? तो इसको आप इस तरह के ना 1 ml इज इक्वल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट, हाँ जी, इसको वो उल्टा करें ना, फिर ये 4 से 6 cc बनेगा, वरना तो ये 400 cc पे जा रहा है। अच्छा इसके अलावा पीजीएफ अल्फा या उसका कोई भी एनालॉग, कोई भी जो उसका मुतबादल है या डेरिवेटिव है वो लगाया जा सकता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वैसे ही आप जहरी बात करेंगे ताकि मेट्राइटस या कोई और इन्फेक्शन ना हो। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं, तो वो ये है कि सिस्टेमिक के अंदर आप उसको इंजेक्ट कर देंगे, कोई भी जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज हो जाती है, पेंसिलिन भी यूज कर देते हैं, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे ये सेफ्टियोफर लिखा हुआ है 2.2 mg/kg के हिसाब से इंट्रामस्कुलरली, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं 3 to 5 days के लिए। वैसे तो एंटीबायोटिक वैसे भी 3 to 5 days के लिए यूज करनी चाहिए कोई भी, लेकिन इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए तो खास तौर पे जो है वो 3 से 5 दिन उसके अंदर मेडिकेशन, ये है कि आप पहले अंदर का चेक कर लेंगे कि क्या मामला है, अगर अंदर ज्यादा डेब्रीज वगैरह मौजूद है फिर तो आप इंट्रा यूटराइन नहीं यूज करेंगे मेडिकेशन, या इंट्रा वेजाइनल जो है उसके अंदर, क्योंकि अंदर डेब्रीज मौजूद है तो उसका इफेक्ट फिर कम हो सकता है। फिर आप उसको मेडिकेशन को यूज करते हैं इंजेक्शन के थ्रू इंट्रा मस्कुलर, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मेट्राइटस वाली साइड है, कोई पायोमेट्रा टाइप है, फिर आप मेडिकेशन को यूज कर सकते हैं वजाइनल रास्ते से भी। देखिएगा अगला पॉइंट, लोकल और इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक रिड्यूस अडोर बट रिड्यूस द रेट ऑफ पुट्रिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड लेवल ऑफ इंट्रा यूट्राइन फाइगोसाइटोसिस थस प्रोलोंगिंग रिटेंशन, के आमतौर पे इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक इस मसले में ना दें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो पुट्रिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है वो रुक सकती है। क्या आप तो दे रहे हैं बेसिकली मेट्राइटस रोकने के लिए, लेकिन जो इसने बाहर आना है, इसका जो बाहर आना है मेम्ब्रेन का, वो और डिले हो सकता है। प्यूट्रीफाइड उसने होना था, वो प्यूट्रीफाइड जारी बात है कोई बैक्टीरिया या जो भी उसके एजेंट्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपने एंटीबायोटिक यूज कर ली तो वो किल हो गए और उसकी पुट्रिफिकेशन नहीं हुई। तो इसमें सिस्टेमिक अगर यूज किया जाए वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो है वो मैंने आपको बताया कि पायोमेट्रा की तरफ है, आप देख रहे हैं कि ये जो है वो डेब्रीज वगैरह नहीं मौजूद, हाँ, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं फिर इंट्रा यूट्राइन निकालने के बाद प्लेसेंटा को। और टेट्रासाइक्लिन जो हैं वो इरिटेशन काज करती हैं, पीएच डैमेज करती हैं एंडोमेट्रियम की, इसलिए आमतौर पे, लेकिन आमतौर पे फील्ड में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हर बीमारी में यूज हो जाता है। हर बीमारी में जो आम प्रैक्टिशनर है वो तो ऑक्सीटेट्रा ही लगा देते हैं ना, चाहे जो मर्जी है, ऑक्सी और मेलॉक्सी ये कम्बिनेशन आमतौर पे जो आम प्रैक्टिशनर होते हैं वो यही दो इंजेक्शन यूज करते हैं, और अल्लाह की कुदरत ये है कि आराम आ भी जाता है जानवरों को कोई भी मसला होता है। इंट्रा यूट्राइन पेसरीज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी अगर डेब्रीज मौजूद है यूट्रस के अंदर, कोई मवाद मौजूद है, कोई टुकड़े मौजूद है उसमें, अगर आप यूज करने की कोशिश करते हैं पेसरीज, पेसरीज होती हैं जो यूट्रस के रास्ते से मेडिकेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, और जो रेक्टम के थ्रू करते हैं उनको क्या कहते हैं भला, स्पोस्ट्रीज, ठीक है, और जो
यूट्रस के रास्ते, वजाइना के रास्ते यूज करते हैं, उनको कहते हैं पेस्टीज। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि काओ को कंफर्ट प्रोवाइड की जाए, वो स्ट्रेस में ना हो, स्ट्रेस में होगी तो फिर वो ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। ये टैबलेट्स ऑन यूटिनोल के नाम से भी आती है एक मेडिसिन। स्ट्रेस रिड्यूस करें, कंफर्ट प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट दें, विटामिन ई, सेलेनियम वगैरह, ये जनरल पॉइंट्स हैं प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, मेयर के लिए ये जो है वो क्रिटिकल है, मेयर के जो फार्म होते हैं वहाँ पे। और प्रीपार्टम ये प्रॉब्लम कॉमन है घोड़ों में, ज़्यादा एक ये प्रॉब्लम और दूसरा कॉलिक का प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम तो मतलब जो भी जहाँ फार्म है हॉर्सेस का वो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। एवरेज टाइम टेकन जो है वो 1 आवर होता है इसका मेयर के अंदर, और लेकिन इसको 2 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो गया तो इसको जो है फिर एमरजेंसी की बेस पर ट्रीट करना चाहिए। वैसे 1.5 घंटे से 1 घंटे के दरमियान बाहर आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसके अंदर मेयर में जो प्लेसेंटा है वो किस टाइप का है, मैंने आपको बताया प्लेसेंटा की 4 टाइप्स बताई थी, डिफ्यूज, कॉटिलेडनरी, जोनरी और डिस्क टाइप। तो इसमें कौन सा है? डिफ्यूज, बिल्कुल ठीक, डिफ्यूज टाइप है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कॉटिलेडन वगैरह खुलने का, तो इसमें जल्दी आ जाना चाहिए एक्वाइन में और सवाइन। क्लिनिकल साइन ये वही वाली बातें रिपीट हैं, मेरे ख्याल से दफा वही बातें हैं, एक्यूट मेट्राइटिस, सेप्टिसीमिया, लैमिनाइटिस और डेथ वगैरह है। ट्रीटमेंट में दोबारा देखिएगा, हार्मोन में प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं फ्लूइड और डेब्रिस को लगाने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन, ये 3 तरह के हार्मोन जो हैं वो यूज हो सकते हैं इसके अंदर। जो इनकी बाजार में प्रिपरेशन होंगी वो फिर मार्केट में डिफरेंट नाम से आती हैं। और अगर नहीं ये कोई भी हार्मोनल थेरापी यूज होती तो फिर आपको जहरी बात है मैनुअल ट्रीटमेंट की तरफ ही आना पड़ता है। मैनुअल ट्रीटमेंट का हल्का सा एक टच देख लेते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैनुअली, ये वही ऑक्सीटोसिन का आ गया। इसके अलावा इंट्रावेनस इंफ्यूजन की जाएगी, ठीक है, सेलाइन वाटर की भी आप कर सकते हैं जो है इंट्रा जो है वो वेनस इंफ्यूजन, ये आगे भी वही बात है। या इसको आप जो है ओरियो अटलांटिक मेम्ब्रेन में 10 लीटर वार्म सेलाइन भी डाल सकते हैं, ये देखिएगा ये पॉइंट। एक तरीका कार ये भी है कि आप प्लेसमेंट करेंगे वार्म सेलाइन की ओरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, इसका क्या फायदा होता है, यूट्रस की जो वॉल है वो स्ट्रेच कर जाती है जिसकी वजह से प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है, आप उसके अंदर कोई फ्लूइड डाल रहे हैं, ठीक है, जो वो इसकी मेम्ब्रेन है, फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सा फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं, सेलाइन, जिसकी वजह से जो है वो कंट्रैक्ट करेगी उसकी वॉल, स्ट्रेच करेगी और वो जो इनके प्लेसेंटा है वो खुल जाएंगे, जो प्लेसेंटोम है और वो बाहर आ सकती है। और इसको ऑक्सीटोसिन के साथ अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, एक तरफ आपने अंदर जो है स्ट्रेच कर दिया, साथ में ऑक्सीटोसिन लगा दी, कंट्रैक्शन बढ़ा दी, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा उसका। इसके अलावा ये एक आप कोलेजिनेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट सेलाइन वाटर के अंदर आप डालते हैं इम्ब्लाइकल आर्टरीज को जो है वो करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। ड्यू टू कोलेराइड इन इसका नहीं, मेरा ख्याल कोलेराइड का शायद हो सकता है कि इफेक्ट हो अगर हम मजीद इसकी उसमें जाए, लेकिन मेन तो इसका फंक्शन यही है ना, जो सलाइन है वो अपना आइसोटोनिक है उसको हम डाल रहे हैं जस्ट स्ट्रेच करने के लिए वाल को, ठीक है, वाल की स्ट्रेचिंग के लिए। और कोलेजिनेज भी यूज कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेच करने के लिए यूज होगा, एंजाइम है ये, इसका हम 2 लाख इंटरनेशनल डॉलर डालते हैं।
ये मैनुअल रिमूवल में आ गया। इसमें आप क्या करते हैं कि जो हैंगिंग पार्ट है उसको ग्रैस करते हैं, हैंगिंग पार्ट को पकड़ते हैं, यूं नहीं है कि डायरेक्टली आप खींचना शुरू कर देंगे, उसको आप ऐसा करते हैं कि एक रोप की मदद से, कोई रस्सी ले लेते हैं, कोई रोप ले लें, कोई आप शाख ले लें, आपने पहले उसको ट्विस्ट करना है, घुमाना है उस रस्सी के ऊपर, एक प्रेशर बनाना है। जैसे बाज़ अवक़ात हम चीज़ों को घुमा के प्रेशर डालते हैं ना, यकदम प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से ये हो सकता है। इस पे आप एकदम प्रेशर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेसेंटा है, ठीक है, यूं आमतौर पे इसको जोर लगाएंगे नीचे की तरफ तो ये कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। कहीं से ब्रेक हो गया तो जो बाहर वाला पोर्शन है उसका भी प्रॉब्लम बन जाएगा, कि बाहर वाला जो सीधा बाहर निकला हुआ था प्लेसेंटा का, वो भी आपने खो दिया, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या क्या जा सकता है, कोई रोप या रस्सी लेके उसको इसके गिर्द लपेटा जाता है, क्या ऐसे इस तरह इस फैशन में ऐसे, ठीक है, वो ग्रिप मजबूत हो जाती है, इस तरह टूटती नहीं, ये जो प्रेशर है वो रस्सी पे पड़ता है, ठीक है, और जो उसको फिर ग्रिप करके रस्सी को या कोई लकड़ी की आप शाखें ले लें उसके जरिए पुल किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, फिंगर की मदद से आगे हाथ ले जाया जाएगा और वो आपका लुब्रिकेट होगा प्रॉपर, और ऐसा ऐसा आप ये खोलते जाते हैं जो अंदर जो बने हुए हैं करंट, जो इसके प्लेसेंटोम बने उसको आप खोलते जाते हैं। तो बात वही कि इसके फिर जो है अनवांटेड इफेक्ट आ सकते हैं, वही बार बार रिपीट हो रहा है, एंड्रोमीडियम का हेमरेज हो सकता है, इनवेजिनेशन ऑफ अनहॉर्न हो सकती है, जो है हॉर्न में रप्चर हो सकता है, वो टूट सकता है जो अंदर का हॉर्न है, ठीक है। एक्सुडेट आ सकता है, टिश्यू डेब्रीज आ सकती हैं, यूटराइन स्पाज्म हो सकता है, डिलेड इन्वोलेशन हो सकती है, मतलब कि लेकिन आखिरी हल यही है, वो जब आप हार्मोन काम नहीं किए तो फिर आप ये वाले हर्बे आजमाएंगे, मैनुअल को हर्बा आते हैं आप, उसके फिर कुछ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। तो उसके अलावा ये लेक्चर खत्म हो गया, सिर्फ ये दो स्लाइड हैं देखते हैं, डेफिनेशन अब जहाँ इतना देख लिया है। सुपर फिकंडेशन क्या होता है? सुपर फिकंडेशन इज द कंडीशन इन विच ऑफ सफरिंग फ्रॉम टू सायर्स आर कंसीव्ड कंटेम्पोरेरियसली। कंटेम्परेरी को कहते हैं हम असर, एक ही वक्त में। सुपर फिकंडेशन का मतलब ये है कि दो सायरों, दो जो हैं वो मेल हैं, दो जो हैं वो फादर हैं, ठीक है, उसको हम सुपर फिकंडेशन कहते हैं। ये ज्यादातर गाँव में डॉग्स में होती है, दो बच्चे मतलब है इसमें, आप ये समझ लें कि एक कैटल है उसमें दो बच्चे हैं और दो में से एक बच्चा एक मेल का है, दूसरा बच्चा दूसरे मेल का है, उस फिनोमेना को सुपर फिकंडेशन कहते हैं। इसको पहचाना कैसे जाता है, आप ये समझ लें कि आपने फार्म में दो बुल रखे हुए थे, ठीक है, एक आपकी जो वो जो है कैटल वो हीट में आई, पहले एक ने मेटिंग कर ली फिर दूसरे ने मेटिंग कर ली, दो जाइगोट के साथ दो मिले अपना एग और दो बच्चे बन गए। जब वो बच्चे प्रोड्यूस हुए एक चला गया एक बाप पे, दूसरा चला गया दूसरे बाप पे, तो इसको कहते हैं सुपर फिकेंडेशन। ये ज्यादातर डॉग्स में होती है, और डॉग्स में क्यों होती है, एक तो उनका स्ट्रेस पीरियड लंबा होता है, नंबर ऑफ ओवा ज्यादा होते हैं, ओवा का जो टाइम पीरियड है ट्रैक्ट में रहने का वो भी ज्यादा होता है। ये तीन वजूहत बनती हैं, ओवा मौजूद है, स्ट्रस पीरियड लंबा है, जिसकी वजह से अगर दो दफा मीटिंग हुई है, दो डिफरेंट फादर्स से मीटिंग हुई है, तो दोनों से बच्चा प्रोड्यूस हो जाएगा, ये फिनोमिना कहलाता है सुपर फिकेंडेशन। इसकी कंडीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कलर डिफरेंट होता है, कन्फर्मेशन डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है, एक बच्चा चिट्टा पैदा हो जाता है, एक बच्चा काला पैदा हो जाता है, सिंपली ये समझ। तो वो आप कहते हैं ये तो किसी पे भी नहीं गया, ना इसके बाप का ये रंग है ना माँ का ये रंग है, ये कैसा पैदा हो गया। एक फिनोमिना होता है सुपर फिटेशन, ये आखिरी स्लाइड है हमारी, हौसला करें आप लोग। सुपर फिटेशन क्या होता है, देखिए सुपर फिटेशन इज द कंडीशन दैट अराइजेस व्हेन एन एनिमल ऑलरेडी प्रेग्नेंट मेट्स ओवुलेट्स एंड कंसीव्स ए सेकंड फीटस और सेकंड लिटर। एक एनिमल ऑलरेडी प्रेग्नेंट था लेकिन उसमें ये फिनोमिना हुआ कि उसका दोबारा से एग प्रोड्यूस हुआ उसकी बॉडी में, मेटिंग हुई और दूसरा बच्चा भी
उसमें डेवलप होने लग गया और दोनों बच्चों की उम्र में फर्क है, ठीक है। सुपर फिटेशन कैन बी एक्सपेक्टेड विद फॉलोइंग कंडीशन, दो बच्चे पैदा हुए, दोनों का साइज डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, आपको लगता है एक 7 माह का है एक 9 माह का है, कैटल में फॉर एग्जाम्पल हम लगा लेते हैं, या दो फिटस पैदा हुए, एक आज पैदा हुआ पार्चुरेशन होगी, एक फिटस 1 महीने बाद फिर उस एनिमल में से बच्चा पैदा हो गया, इसको कहते हैं सुपर फिटेशन। लव से भी पता चल रहा है सुपर फिटेशन दो फिटस, पिछले वाले के लव से ही पता चल रहा है सुपर फीकंडेशन, ठीक है। फीकंडेशन जो होता है वो कहते हैं फोर्निकेशन को, मेटिंग को, जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को कहते हैं फीकंडेशन, तो वो पता चल रहा है कि दो मुख्तलिफ से हुई है, सुपर फीकंडेशन दो मुख्तलिफ मेल से हुई है। और फिर अगले दिन डॉक्टर, ये आम तौर पे वैसे जो है ना ये फिनोमिना कहते हैं कि ज्यादातर थ्योरेटिकल है, ठीक है, कहीं पे हो सकता है कि हुए हों लेकिन ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, और ये डॉग्स और कैट्स में ये फिनोमिना आम तौर पे ज्यादा देखे जाते हैं, जो मतलब रूमिनेंट्स वगैरह हैं उनमें ये फिनोमिना आमतौर पे देखा नहीं जाता कि इस तरह हुआ हो कि सुपर फिटेशन हुई हो, दो बच्चे, एक बच्चा आज पैदा हो गया 1 महीने बाद एक बच्चा और आ गया, या दो बच्चे इकट्ठे पैदा हुए एक 7 माह का एक 9 माह का, ये सुपर फिटेशन में आ जाता है। फिकंडेशन में आता है दो बच्चे पैदा हुए, दोनों की करेक्टरिस्टिक ही डिफरेंट है, ठीक है, एक जो है वो दो बुल एक समझ लें चोलिस्तानी है, एक साहिवाल खड़ा है, एक चोलिस्तानी पैदा हो गया, एक साहिवाल का पैदा हो गया, आपके फार्म पे दो बुल थे, एक चोलिस्तानी एक साहिवाल वाला, और फीमेल की तरफ आप दोनों देख रहे हैं कि ये है किसका, वो उसमें आ जाता है, ये दो टर्म्स हैं। अच्छा एक टर्म और है उसको भी सर्च कीजिएगा कि फादर की खसूसियात रह जाना, एक पहली मीटिंग हुई साहिवाल, फॉर एग्जांपल साहिवाल नस्ल का आपके पास खड़ी थी कैटल, साहिवाल नस्ल का ही आपके पास था बुल, पहला बच्चा साहिवाल नस्ल का पैदा हो गया, ठीक है, नहीं आप लगा ले चोलिस्तानी थी मदर, मदर चोलिस्तानी थी, फादर उसका जो है वो साहिवाल का था, बच्चा जो पैदा हुआ वो साहिवाल की नस्ल का पैदा हुआ, अगली दफा आपने मेटिंग करवाई उसकी चोलिस्तानी से ही, लेकिन बच्चे में दोबारा खसूसियात आ रही हैं साहिवाल की ही, ठीक है, ये भी एक फिनोमिना है, ये फिनोमिना देखिएगा इसका टर्म क्या, मेरे इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा, तो उसका टर्म भी देखिएगा, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि पिछले बाप के खसूसियात बच्चे में आ जाना, हालांकि अगली प्रेगनेंसी में उस बाप का कोई अमल दखल हो भी ना, ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा। तो अब टाइम काफी ज्यादा हो गया, लेक्चर को मेरा ख्याल है एंड करें, और कितने लोग हैं, चले 800 लोग हैं जो शुरू में लेक्चर ले रहे थे, तो रिकॉर्डिंग फिर भेज दीजिएगा, जो लोग नहीं लेक्चर ले सके वो भी ये लेक्चर को, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एटिविज्म कहते हैं उसको, एटिविज्म कहते होंगे, वो देख लीजिए ग्रुप में भेज दीजिए उसकी डेफिनेशन कोई देख के ना कि उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, वो भेज दीजिए, अल्लाह।